जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय श्लोक संख्या 48 और 49 तो ये पहला अध्याय है गुरु वर्ग, इंग्लिश में स्पिरिचुअल मास्टर्स। ठीक, तो 48 और 39, तो हम लोग 48 ऐसे ही पढ़ देता हूँ, 39 जो है हम लोग उसको रिसाइट करेंगे। तो जो 48 है ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। नैवोपयन्ति अपचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं रिद्ध मुदा स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनुभृतां अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूप में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। यह श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का श्लोक है, जो कि श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया है। अगला श्लोक, इसको हम लोग दोहराएंगे। ये भगवद गीता का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्श्लोकी भगवद गीता का। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां, उनको सतत युक्तानां सदैव लीन रहने वाले, भजतां भक्ति में सेवा में लगे, प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वक ददामि मैं देता हूँ, बुद्धि योगम वास्तविक बुद्धिमत्ता, तम वह ये न जिससे माम मुझे उपयान्ति पास आते हैं, ते वे। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद की जय। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। तात्पर्य, भगवद गीता 10:10 का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान यह घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना को इस जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा
भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। वे जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य है। वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े विज्ञानी वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करके अनुग्रह करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हर सोमवार को हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो आज का ये जो विषय वस्तु चल रहा है गुरु तत्व, जो पहला अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, वो है गुरु वर्ग स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो पहला श्लोक है चैतन्य चरितामृत का वो क्या है, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईश ईशावतारकान तत्प्रकाशाम सतत शक्ति कृष्ण चैतन्य संयकम। जो पहला श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, वंदे गुरुन, गुरु और गुरुन संस्कृत में जैसे प्लूरल बहुवचन, तो गुरु एक नहीं है, क्या है, गुरुन, बहुत सारे गुरु होते हैं। इसलिए वंदे गुरुन ईश भक्तान, और फिर भगवान के भक्तों को, पहले गुरु को फिर वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईश फिर भगवान को, ईश फिर ईश अवतार उनके अवतार, फिर तत्प्रकाश उनके विस्तार और उनकी शक्ति। तत्प्रकाश हमसे तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यक। तो परम सत्य के ये छह क्या कहेंगे, छह रूप में परम सत्य प्रकट होते हैं, गुरु भक्त स्वयं भगवान उनके विस्तार उनके अवतार और उनकी शक्तियाँ। जैसे हम पंचतत्व में देखते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं परम सत्य भगवान है, उनके प्रकाश नित्यानंद प्रभु, उनकी शक्ति गदाधर पंडित, उनके अवतार अद्वैताचार्य, भक्त श्रीवास ठाकुर और गुरु। तो ये छह परम सत्य के, ये छह रूप से परम सत्य हमारे साथ सामने प्रकट होते हैं। तो
इसको सबसे पहले समझा रहे वंदे गुरुन कि गुरु तत्व क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और शायद आप में से बहुत सारे भक्त इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी किए होंगे, तो इसमें भी इसका अच्छा से जानकारी दिया जाता है। क्यों बहुत आवश्यक है कि गुरु तत्व को लेके शायद जितना कन्फ्यूजन है कोई तत्व को लेके नहीं होगा। कुछ लोग हैं आप देखते होंगे जो गुरु को ही भगवान मानते हैं, भारत में कई ऐसे लोग हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, बोले भगवान वगवान कोई नहीं बस गुरु की पूजा करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो कहते हैं बस डायरेक्ट हम और हमारे बिहारी जी और किसी को आवश्यकता नहीं है, बस मैं और कृष्ण, तो दोनों ही गलत है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं गुरु ही भगवान है, वो भी गलत है। तो ये गुरु तत्व का सही जो समझ है, इसका जो सही इसको समझना, इसका सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी इसको बार बार सुनना चाहिए। तो गुरु इस अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया। सबसे पहले तो गुरु एक नहीं है, गुरु कई हैं, गुरु तत्व है। वंदे गुरुन, तो कौन कौन गुरु है सबसे पहले बताते हैं। एक वर्तम प्रदर्शक गुरु, जो कि हमें पहली बार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वो भी एक शिक्षा गुरु उनको कह सकते हैं। फिर दीक्षा गुरु, जिनसे हम मंत्र दीक्षा लेते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, ये नहीं बोल सकते मैं दो तीन गुरु से मंत्र लूंगा, नहीं। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। और फिर जो भी हमें भक्त लोग हमें मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने, वो है हमारे शिक्षा गुरु। और भगवान स्वयं भी शिक्षा गुरु है, किस रूप में? चैत्य गुरु, हृदय के अंदर विराजमान है। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु, चित्त में भगवान परमात्मा के रूप में है, वो हमें दिव्य ज्ञान अंदर से प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु एक है, चैत्य गुरु भी एक है भगवान कृष्ण में हृदय में, और शिक्षा गुरु कई होते हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षाएं प्रदान करते हैं। और शिक्षा गुरु में से एक जो शुरुआत में हमें शिक्षा देते हैं उनको वर्तम प्रदर्शक गुरु भी कहते हैं, जो हमें पहली बार रास्ता दिखाते हैं। इसके आगे आप देखेंगे एक दो श्लोक के बाद बड़ा सुंदर श्लोक आएगा जिसमें वो कहेंगे चिंतामणि जयति सोम गुरुर सोम गिरी गुरुर में भगवान स, ये बिल्व मंगल ठाकुर के उदाहरण देते हैं। हाँ, चिंतामणि जयति सोम गिरीर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि पिछि मौलि यत्पाद कल्पतरुपल्लवश अखिरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। तो आप सब जानते हैं बिल्वमंगल ठाकुर बहुत महान भक्त थे, बहुत महान कवि थे, जो कि वृंदावन में कई वर्ष, कहते 200-300-400 साल वृंदावन में रहे, ऐसा कहते हैं ब्रह्मकुंड के पास में। तो वृंदावन में उसको शायद आज कुछ भक्तों ने देखा होगा, ब्रह्म सरोवर है एक, तो वहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर निवास करते थे। तो वो जब कृष्ण कर्णामृत लिखे एक सुंदर किताब, उसके शुरुआत के श्लोक में प्रणाम करते हुए किसको प्रणाम करते हैं? चिंतामणि। चिंतामणि एक वैश्या थी, लेकिन उन्होंने, आप सब कहानी जानते हैं कैसे बिल्वमंगल ठाकुर, सिल्हाना मिश्रा उनका नाम था, बहुत आसक्त थे एक वैश्या से, उसका नाम था चिंतामणि। अपने पिताजी का श्राद्ध था, उस दिन भी उनको जल्दीबाजी थी, कब मैं चिंतामणि से मिलने जाऊंगा, सबको कह रहे जल्दी जल्दी पूरा करो, जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और उस दिन रात को आंधी तूफान आ गया, फिर भी वो चले गए। नदी पार करना था, कोई नौका भी नहीं था, वो तैरते हुए नदी पार किए। कहते हैं एक जिंदा लाश बह रहा था, उसको पकड़ लिए, उसके सहारे से उन्होंने नदी पार किया। फिर उसका घर जाएंगे कैसे, दरवाजा बंद कर दिया उसने, उसे लगा रहे अभी तो आंधी तूफान आ जाएगा नहीं। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या किया, सांप, सांप को रस्सी बना के उस पर चढ़ के अंदर घुस गए। और जब इस अवस्था में अंदर घुसते हैं बिल्कुल घायल हो चुके होते हैं, चिंतामणि बोलता, अरे ये क्या पागलपन है, तुम ऐसी अवस्था में मेरे से मिलने आ रहे हो? अरे इतना आसक्ति अगर तुम्हारा भगवान के प्रति होता, अगर कृष्ण के प्रति होता, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता।
और एक वाक्य सुन के बिल्लोंगल ठाकुर के हृदय में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया और वो सोचे मुझे वृंदावन जाना है। तो इसलिए वो सबसे पहले प्रणाम करते चिंतामणि को, क्योंकि वो उनके पहले गुरु थी जिन्होंने उनको भक्ति में मार्गदर्शन दिखाया। फिर सोमगिरी जिनसे उन्हें दीक्षा लिया, उनके दीक्षा गुरु। फिर कहते शिक्षा गुरु से भगवान स्वयं। तो जब वो वृंदावन गए बिल्वमंगल ठाकुर, तो अंधे थे रास्ते में, वो भी एक कहानी है कैसे उन्होंने अपने आंख को खुद फोड़ लिया रास्ते में जा रहे थे, क्योंकि काम वासना खत्म नहीं हुई। वृंदावन जाते रास्ते में फिर वो स्त्री से आसक्त हो गए, तो उन्होंने वो माता जी से उनका पिन मांगा और उससे अपने आंखें फोड़ लिए। खैर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, फिर अंधे हो गए। और फिर भगवान स्वयं एक छोटे से बालक के रूप में आए और उनको हाथ पकड़ पकड़ के वृंदावन में अलग अलग स्थली में लेके जाते थे, और भगवान स्वयं उनके शिक्षा गुरु बने। तो ये बहुत रेयर केस में होता है भगवान किसके डायरेक्ट शिक्षा गुरु बनते हैं, जैसे अर्जुन के लिए भगवान डायरेक्ट शिक्षा दी। नहीं तो भगवान किस रूप में शिक्षा देते हैं, आचार्य के माध्यम से। जो इसके पहला जो 48वां श्लोक जो हमने भागवतम का पढ़ा, उसमें यही कह रहे हैं, हाँ उद्धव कह रहे हैं, प्रभु आप कितने कृपालु हैं, यू आर सो मर्सीफुल, मैं कैसे आपको ऋण चुकाऊं, मैं तो ब्रह्मा जी के अगर मुझे आयु मिल जाए तब भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? आप दो रूप में प्रकट होते हैं, बाहर में आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं और हृदय में चैत्य गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। किस लिए? ताकि जो बद्ध जीव है मेरे तरह उनको आप मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि माया के चंगुल में हम इतने बुरी तरह से फंस गए, इतने बुरी तरह से फंस गए कि निकलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। श्रील भक्ति ठाकुर कहते थे अगर कोई अगर माया के जो वश में जीव फंसे, अगर एक जीव को उद्धार कर ले वो इतना बड़ा कार्य है कि कोई हजार हॉस्पिटल खोले उसकी भी उसका तुलना नहीं की जा सकती। अगर एक जीव का किसने उद्धार कर दिया, यानी जो माया के कब्जे में हम सब फंसे हुए हैं, अगर एक भी जीव को अगर हम माया के चंगुल से बाहर निकालने में समर्थ हो पाते हैं तो बहुत बड़ा कार्य है। माया से बाहर निकलना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो गुरु हैं भक्त हैं उनको कहा जाता है वो सबसे बड़े हितेशी हैं, परोपकारी हैं, क्योंकि वो हमें भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे कि माया के बंधन से छूट सके। तो कृष्ण कितने दयालु हैं, स्वयं चैत्य गुरु के रूप में हृदय में हमें मार्गदर्शन करते हैं, बाहर में आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो आचार्य हैं, आचार्य माम बिजानियत, इसी 11वें स्कंद में कहते हैं भगवान उद्धव से कि हे उद्धव आचार्य को तुम मेरा ही रूप मानो, कभी भी आचार्य का अपमान मत करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, आचार्य मतलब हर कोई आचार्य नहीं है, आचार्य बहुत ऊंचा पद होता है, जो महान वैष्णव होते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो जो आचार्य होते हैं वो स्वयं कृष्ण के रूप मानना चाहिए उनको। फिर वही मायावाद, वो कृष्ण नहीं है, जीव है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं इसलिए हम उनको सम्मान कैसा करना चाहिए, कृष्ण साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसद्भि किंतु प्रभुर्यः प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो साक्षात हरि, पहला लाइन में क्या कहते हैं, गुरु साक्षात हरि है। लेकिन ये तो फिर मायावाद हो गया, मायावादी भी कहते हैं गुरु भगवान है। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं किंतु प्रभुर्य प्रियैव तस्य, गुरु भगवान नहीं है, भगवान के प्रिय भक्त हैं, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं गुरु आचार्य, इसलिए उनको हमें ऐसे ही सम्मान देना चाहिए कि साक्षात जैसे भगवान को सम्मान देते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में आते थे तो कई बार भक्त लोग बड़ा भव्य स्वागत करते थे, एयरपोर्ट में 100-100 भक्त जाके कीर्तन करते थे, बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती थी लिमोजीन, उनको मंदिर लेके जाते थे। तो कई बार पत्रकारों ने पूछा
कि स्वामी जी क्या है ये शिष्य लोग, क्या भगवान हो? बोला नहीं, तो भगवान नहीं। तो शिष्य लोग आपको ऐसे क्यों स्वागत करते हैं, हाँ बड़े बड़े गाड़ी से और ऐसे ऐसे? तो पा जी बोले, अरे ये लिमोजिन तो कुछ भी नहीं है, शिष्यों को तो मेरे लिए सोने की गाड़ी लाना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का प्रतिनिधि हूं। जैसे पहले वाइसरॉय होते थे इंडिया में, जब ब्रिटिश का शासन था तो वो रानी तो लंदन में रहती थी, लेकिन उसके प्रतिनिधि को बोलते थे वाइसरॉय। तो उनको ऐसे ही सम्मान देते थे जैसे रानी को दिया जाता था। जो राष्ट्रपति भवन है आज भारत में, वो वाइसरॉय का ही घर था। तो जो राजा के वाइसरॉय होते थे, रानी के वाइसरॉय, उनको इतना ही सम्मान देते थे राजा को देते थे, रानी को देते थे, वैसे ही। तो जो गुरु है वो कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रतिनिधि है, इसलिए हमें उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए जैसा हम गुरु को सम्मान देते हैं। तो ये है गुरु तत्व, थोड़ा समझ में आया। शिक्षा गुरु कई होते हैं, भगवान स्वयं भी शिक्षा गुरु, हमारे हृदय के रूप में, हृदय के अंदर रहते हैं चित्त गुरु के रूप में, बाहर में आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, और भी अन्य भक्त जो भी गुरु हमें मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही है जो हमें मंत्र दीक्षा देते हैं। अच्छा, कई बार शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन इस्कॉन में संभव ऐसा नहीं है, क्योंकि दीक्षा गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, इसे डायरेक्ट वो हमें गाइड नहीं करते। इसलिए इस्कॉन में बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में कोई शिक्षा गुरु भी हो जो हमें गाइड कर पाए। कई बार ऐसे भक्त होते, बस मैंने तो दीक्षा ले लिया, अब मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर आप दीक्षा गुरु के बहुत क्लोज हैं तो बात अलग है, नहीं तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे भक्त होने चाहिए जो कि हमारे कान खींच पाए, जो हमें कुछ कह पाए, जो हमारे समस्या हो तो हमसे, उनसे आके हम पूछ पाए, ऐसे कोई ना कोई हमारे जीवन में होने चाहिए शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु जो हृदय में कृष्ण स्वयं है। तो चैत्य गुरु जो है शुरुआत में हमें मदद करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो पहले चैत्य गुरु ही हमें अंदर से ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जाओ भक्त से मिलो, नहीं तो हम भक्त से कैसे मिलते। तो जो चैत्य गुरु हैं वो कहीं ना कहीं हमें गुरु से जोड़ देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, जाओ इन भक्तों के पास जाओ, जाओ इनसे दीक्षा लो। तो चैत्य गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। फिर बाद में वही शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करना है, और जब बहुत भक्ति में ऊंचा स्थान पे आते हैं तब फिर से चैत्य गुरु हमें डायरेक्ट हमको आदेश दे सकते हैं। शुरुआती अभी के भक्ति के नए अवस्था में कोई कहेगा प्रभु जी मुझे तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, मुझे कृष्ण स्वयं हृदय से आज्ञा दे रहे। नहीं, ये गलत है। कृष्ण स्वयं हृदय से आज्ञा देते हैं बहुत ऊंची अवस्था में, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद, जैसे कल हम चंदन यात्रा अक्षय तृतीया है, तो माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान डायरेक्ट सपने में आके आदेश देते थे। हमारा वो स्थिति नहीं है कि डायरेक्ट कृष्ण आके हमें आदेश दे। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे भक्त होने चाहिए जो हमें गाइड कर पाए। तो और आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जरा इस पे और चर्चा करते हैं। तो ये आप जानते ना चतुर्श्लोकी गीता, जो चार श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विते, पहला चतुर्श्लोकी है 10.8, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ आया, अहम सर्वस्य प्रभवो। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से समझ लेता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, क्या करता है, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विते। फिर दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कैसे भक्ति करता है, मत चिता मत गता प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। क्यों वैष्णव क्या करता है ना, एक वैष्णव लोग एक दूसरे से मेरे बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे आप देखेंगे कोई वैज्ञानिक लोग मिलते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, मैंने ये रिसर्च किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो एक दूसरे से अपना जो शोध कार्य उसको शेयर करते हैं, उसको बात करते हैं उसके बारे में।
प्रभुपाद जी कहते भक्त लोग भी ऐसे ही करना चाहिए, जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो यही बात करना चाहिए, आज मैंने ये पढ़ा, अच्छा मेरे को ये डाउट है या इसके बारे में बताइए, तो इस तरह से बात करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा कमी है हमारे इस्कॉन के समाज में, बहुत कम बार भक्त लोग मिलके भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर भक्त लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रजल्प करते हैं, अरे आज ये पॉलिटिक्स में ये हुआ, अरे वो भक्त को ऐसा हुआ, देश में क्या चल रहा है, इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, दूसरों की निंदा करना। तो यही सब हम भक्त से मिलते हैं तो सत्संग नहीं करते, वो भक्त से मिलके भी हम इधर उधर की फालतू बातें ही करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं जब भक्त आपस से मिलते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। आप देखिए चैतन्य चरितामृत में कई ऐसे प्रसंग हैं, जब चैतन्य महाप्रभु सरु दामोदर के साथ रहते थे, रामानंद राय के साथ रहते थे, तो क्या चर्चा करते, कृष्ण लीला के बारे में। जब माधविंद पुरी से नित्यानंद प्रभु मिले थे, ऐसा प्रसंग आता है, तो वो कई रात दिन कृष्ण कथा चर्चा करने लगते थे। ये होते हैं वैष्णव। तो भगवान इससे बड़ा प्रसन्न होते हैं जो भक्त लोग आपस में उनके बारे में चर्चा करते हैं, मत चिता मत गता प्राण बोध है अंतस परस्परम, एक दूसरे को बताते हैं, बातचीत करते हैं, क्लास सुनना भी है, हम जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे ग्रुप में भी दो तीन भक्त या दो भक्त मिलके आपस में भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। कुछ लोग करते होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कमी है थोड़ा हमारे अभी इस्कॉन में। तो आपस में चर्चा करना भगवान के बारे में, और ऐसा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर तीसरा श्लोक कहते हैं तेषांग सतत युक्ता नाम, तो ऐसे भक्तों को जो हर समय जिनका चित्त मुझ पे लगा है, जो हर समय मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मेरे बारे में बातचीत करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वैसे भक्तों को मैं क्या करता हूँ, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी, मैं देता हूँ, क्या देता हूँ, बुद्धि योगम, मैं उनको ऐसा विशेष बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयान्ति थी, ताकि वो मेरे पास वापस आ सके। तो ये बुद्धि अंदर से भगवान देते हैं। चैत्य गुरु का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है भक्ति में, लेकिन भगवान अंदर से कब हमें मदद करेंगे, जब हम उनकी प्रीतिपूर्वक भजन में पूरी तरह से लगेंगे, और ऐसा भजन करने के लिए हमें कौन बताएगा, गुरु बताएंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, गुरु कृष्ण, इसलिए कहता ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान अजीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भीष। तो चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, तीनों ही आवश्यक है। कोई नहीं कह सकता बस बस मैं तो दीक्षा गुरु, नहीं, दीक्षा गुरु भी चाहिए, शिक्षा गुरु भी चाहिए। हाँ कई बार दीक्षा शिक्षा एक हो सकते हैं, लेकिन इस्कॉन में ऐसा संभव कम है, क्योंकि यहाँ तो दीक्षा गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, तो वो कैसे पर्सनली गाइड करेंगे। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु, जो हृदय से भगवान स्वयं हमें ज्ञान देते हैं। और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, हमें सबको सम्मान करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, दो महीना पहले यहाँ पे एक जप सेमिनार हुआ था, बृहद भागवत महाराज ने, कौन कौन अटेंड किए थे, आपने किया था, हाँ कुछ इंग्लिश में था, चार पांच भक्तों ने अटेंड किया है। तो उसमें महाराज ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोला था, आपको याद होगा, ग्रैटिट्यूड लेटर। वो कहते हैं कि आप एक ऐसा चिट्ठी लिखो प्रभुपाद जी को जिसमें आप सारे भक्तों के बारे में, भक्ति के शुरुआत से लेकर आज तक, आप सारे भक्तों को याद कीजिए जिन्होंने भी आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया, उन सारे भक्तों के आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके बारे में लिखिए। और कहते एक भक्त ने ऐसा एक चिट्ठी लिखा, 70 पेज का चिट्ठी लिखा, 70 पेज का, क्योंकि हो जाएगा अगर आप सोचेंगे कि कई भक्त हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दिए हैं और दे रहे हैं, तो हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कभी भी हमें कोई जगह हमें भक्ति में मदद किया है उसका हमें कभी अपमान या अपराध नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा बाधक है भक्ति में, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो भी भक्त हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद किए हैं, हमेशा हमें उनके प्रति
कृतज्ञ होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और ऐसा भाव जब रहेगा तब हम भक्ति में बहुत जल्दी से प्रगति कर पाएंगे। तो ऐसे भक्त जो आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, उन भक्तों को भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगमतम। और भगवान ऐसे जब दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकट कराते हैं तो वो भक्त जो है पूरी तरह से वो ऐसे हिंदी में पढ़ता हूँ, बताते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य है। दिव्य चेतना की इस जागृति, यानी जब उसकी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है तो भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वो अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। उस समय क्या होता है, कई बार भक्त लोग पूछते हैं ना, अरे मेरा रस क्या है भगवान के साथ, मेरा स्वरूप क्या है। कई बार राधा कुंड में लोग जाते हैं और कोई बाबा जी बोलते हैं मैं बताऊंगा तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये पूरी तरह से चीटिंग है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं ये भगवान चैत्य गुरु अंदर से हमें प्रकाशित करेंगे। जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तब अंदर से कृष्ण स्वयं हमें बताएंगे हमारा क्या स्वरूप है। कोई बाबा जी हमें नहीं बता सकते हमारा क्या स्वरूप है। ऐसा जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। जब पूरी तरह से जब व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण परम सत्य है, वो पूर्ण आध्यात्मिक एवं स्वयं सर्वशक्तिमान पुरुष है, वो पूरी तरह से उनकी इंद्रियों की, अपने इंद्रियों से उनकी इंद्रियों की सेवा करता है, जब हम पूरी तरह से साधना भक्ति को अच्छे से पालन करेंगे तब जब भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब भगवान हृदय से हमें वो दिव्य ज्ञान देंगे और बताएंगे हमारा स्वरूप क्या है, भगवान के समान नित्य संबंध क्या है। तो भगवान स्वयं अंदर से प्रकाश करेंगे, कोई व्यक्ति हमें नहीं बता पाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कुछ, एक प्रभुपाद जी के समय कुछ एक भक्त था, वो रूम लॉक करके वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा था कुछ। तो प्रभुपाद जी ने, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? ना, मैं मोर जैसा उड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने बताया तुम कृष्ण लीला में मोर हो तो मोर बन के प्रयास कर रहा था। कई ऐसे लोग हैं आप देखेंगे वृंदावन में, वो सखी का ड्रेस पहनते हैं कि मैं गोपी हूँ, बिल्कुल गलत है। हमारा स्वरूप केवल कृष्ण चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठे हैं वही हमें बताएंगे, कृष्ण स्वयं बताएंगे कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। वैसे तो हम सबको पता होना चाहिए, हम सबका कॉमन संबंध है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। ये ज्ञान हमें गुरु दिए कि भगवान के साथ पांच रस है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य शांत, लेकिन कौन से रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है ये तो स्वयं कृष्ण हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। जब हम भक्ति में बहुत ऊंची अवस्था में जाएंगे, जब हमारे सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, तब जाके भाव की अवस्था में, आप जानते हैं ना, ततः पहला अवस्था क्या है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो भाव के स्तर में जाके कृष्ण हृदय से हमें बताएंगे कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है, क्या हमारा स्वरूप है। तो इसलिए ये गुरु तत्व समझना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से गुरु हैं? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। और शिक्षा गुरु का ही एक और पार्ट है, इसको कहते हैं वर्तम प्रदक्षक गुरु, जो कि हमें स्टार्टिंग में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है, वो शिक्षा गुरु ही। तो तीन तरह का गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक, और चैत्य गुरु तो एक ही है, कृष्ण जो हमारे हृदय में बैठे। तो ये मैंने कुछ चर्चा किया गुरु तत्व के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण इसको समझना और हम सब भक्तों को खास करके समझना चाहिए। और जो भी गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं वो कृष्ण के ही प्रतिनिधि, ऐसा कहते हैं नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व हैं। तो जो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, वो कौन है, नित्यानंद प्रभु के ही प्रतिनिधि हैं।
क्योंकि वो आदि गुरु है, बलराम जी यानी तंत्र आदि गुरु है। गुरु कौन? जो भगवान की सेवा करता है और हमें बताता है कैसे सेवा करना। तो भगवान कृष्ण की सबसे अच्छा सेवा कौन करते हैं? बलराम जी यानी तनंतु, या श्रीमती राधा रानी भी ऐसा भी कहा जाता है। गुरु श्रीमती राधा रानी के भी उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वही भगवान की सबसे पहले सेविका है। तो इसीलिए हमें सारे गुरुओं का बहुत सम्मान करना चाहिए, कृतज्ञ भाव होना चाहिए। और हमारे मुख्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, सबसे मेन हमारे मेन शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी। आज भी हमें हृदय से प्रेरणा देते हैं। तो जब भी हम प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं समाधि में, प्रभुपाद हाउस में उनकी किताब पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी हमें किताब से डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं। ये पर्सनल कनेक्शन बिल्कुल प्रभुपाद जी के साथ। तो हर दिन इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना। हमारे मुख्य शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उनको भी बहुत सम्मान देना चाहिए। साक्षात कृष्ण के रूप है जो कि हमें दीक्षा दे रहे हैं। और साथ ही में जितने हमारे और शिक्षा गुरु हैं, जो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। जिनसे भी हम भागवतम क्लास सुन रहे हैं, या कोई हमें व्यक्तिगत हमारे जीवन में हमें कोई समस्या होती है तो हमसे कुछ सलाह करते हैं, तो वो सब गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष करके एक ऐसे भक्त हमारे जीवन में होने चाहिए जिनके हम रेगुलर टच में हों, जिनके मार्गदर्शन में आगे भक्ति कर रहे हैं। और इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए, बहुत सम्मान भाव होना चाहिए। और अगर ऐसा भाव से हम भक्ति करेंगे, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु तीनों हमको मदद करेंगे। और तीनों का लक्ष्य क्या है? एक ही है। क्या लक्ष्य है? कैसे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हों, कैसे हम कृष्ण के चरणों को प्राप्त करें। गुरु का यही उद्देश्य है। एक बार प्रभुपाद से पूछे, श्रील प्रभुपाद हाउ डू वी प्लीज यू द मोस्ट। कई बार प्रभुपाद जी कहते थे ना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो आई विल बी हैप्पी, मंदिर बनाओ आई विल बी हैप्पी। अच्छी बात है, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी ने बोला, इफ यू डेवलप योर लव फॉर कृष्णा दैट विल प्लीज मी द मोस्ट। अगर तुम कृष्ण के लिए अपना प्रेम जागृत करोगे, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। तो गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तभी होती है जब वो देखते हैं कि मेरा शिष्य भक्ति में आगे बढ़ रहा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अगर शिष्य बहुत, एक प्रभुपाद जी एक तात्पर्य कहते हैं कि गुरु खुश नहीं होता, अरे शिष्य ने इतना कलेक्शन किया, इतना प्रचार किया, इतना मंदिर बनाया, ठीक है अच्छी बात है, ये भी भगवान की कृपा है कर पा रहा है, लेकिन गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब देखते हैं कि मेरा शिष्य भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं, नाम के प्रति उसका रुचि बढ़ रहा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के रास्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी शिष्य ऐसे अगर शुद्ध भक्त बन गया तो गुरु का जितना प्रयास सब सफल हो गया। प्रभुपाद जी गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं, प्रीफेस में, आमुख में, कि मैं जो ये पूरा इस्कॉन बना रहा हूं, इतने किताब लिख रहा हूं, अगर एक शिष्य भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा सारा प्रयास सफल हो गया। तो गुरु का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हमें कैसे मदद करें, कि हम कैसे हमारे कृष्ण प्रेम को फिर से उदय करें और कृष्ण के चरणों में स्थित हों। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। श्रील प्रभुपाद की जय। किसका कोई प्रश्न है, किसका कोई कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। तो तीनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव होना चाहिए हमारे हृदय में, सम्मान का भाव, कृतज्ञ भाव। कोई प्रश्न नहीं है? हाँ अच्छा माधव, हाँ हाँ हरि हरि। हाँ कह रहे जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो भगवान श्लोक कहते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म, भगवान के जन्म को जानो, कर्म को जानो और दिव्य शक्ति को जानो, पर उनको कैसे जाने, तत्व कैसे जाने? तत्व जाने गुरु के माध्यम से। आज ही तो पूरा क्लास है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, इनके तीन के मदद से हमें भगवान के बारे में पता चलता है। जब हम गुरु से सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं,
भागवतम भगवद्गीता पढ़ते हैं और गुरु से सुनते हैं तो तब जाके हमें पता चलता है कि कृष्ण दिव्य हैं, उनका जन्म कर्म दिव्य है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शालिग्राम जी को कैसे सेवा करना चाहिए जरा बताइए। शालिग्राम जी को सबसे पहले तो गुरु के आज्ञा से ही सेवा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट शालिग्राम की सेवा कर लें। अगर हम भक्ति में उन्नत हैं तो हम गुरु की आज्ञा लेके शालिग्राम की सेवा करना चाहिए। और शालिग्राम जी की सेवा बहुत सरल है, उनको हर दिन अभिषेक करना चाहिए और तुलसी अर्पण करना चाहिए और शुद्ध रूप से भोग बनाकर बड़ा शुद्धता रखना चाहिए शालिग्राम की सेवा में। और कितनी बार करना चाहिए? गौर निताई जी कोई भी रख सकते हैं, लेकिन शालिग्राम अगर घर में रख रहे हैं तो उसके लिए बहुत पवित्रता होनी चाहिए। आपका रसोई घर में कभी जूठन नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छे से स्वच्छ रह के सेवा करना भगवान की, और ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, तब जाके शालिग्राम की सेवा कर सकते हैं। मैं पहले ही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ठीक है, आप अगर कर रहे हैं तो करिए। अच्छा हाँ, लेकिन अभी हरि नाम जप कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ। 16 माला जप कर रहे हैं? 32 माला कर रहा हूँ डेली का। बहुत बढ़िया, लेकिन इस्कॉन में भी आप दोबारा दीक्षा लीजिए। ओके ठीक है, दोबारा हरि नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा लीजिए, तब और अच्छे से आप सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों तो बहुत सेवा रहती है घर में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 16 माला हो ही नहीं पाता, रात हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमने गुरु को प्रॉमिस किया है 16 माला जरूर करना चाहिए, तो अच्छी बात है आप कर रहे हैं, तो रात भी हो जाए लेकिन करना चाहिए। खास करके जो गृहस्थ में माताएं हैं, बहुत सारी सेवा रहती है, प्रयास कीजिए अगर थोड़ा सुबह माला कर ले, जैसे बाकी सब काम करने के पहले थोड़ा जल्दी उठ के अगर माला कर ले। ऐसे कई माताएं हैं जो 3 से 4 बाकी काम करने के पहले ही कुछ माला कर लेते हैं, तो ऐसा प्रयास कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम रात तक तो कर रहे हैं, 16 माला करना सबसे आवश्यक है। ठीक है, और हो सके प्रयास कीजिए सुबह करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में सेवा रहती है और घर पे भी सेवा रहती है, तो कभी कभी 2 या 3 माला होके मतलब हो ही नहीं पाता, ऐसा नींद भी आता। थोड़ा आप ऐसे एडजस्ट कीजिए, हो सकता है बाकी सेवा थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं जितनी सेवाएं हैं सबसे इम्पोर्टेंट है 16 माला का जप करना। तो अगर बाकी सेवाएं बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कुछ सेवा कम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, अभी हरिनाम दीक्षा ही हुआ है लेकिन ऑलरेडी पहले से ही घर में शालिग्राम है और उसमें माता जी सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी नहीं सेवा कर रहे हैं, तो क्या करें? नहीं, शालिग्राम है तो निकाल तो नहीं सकते आप, तो रखिए। अगर हो सके कोई मंदिर में अगर दे सकते हैं तो एक तो कोई मंदिर में दे सकते हैं जी, नहीं तो अगर आप भी सेवा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर अच्छे से हरिनाम कर रहे हैं। लेकिन आइडियली जो शालिग्राम का सेवा है वो पुरुषों को करना चाहिए और वो भी जो ब्राह्मण दीक्षित हो। तो ऐसा कुछ अपराध तो नहीं है? ऐसा कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब आप अशुद्ध अवस्था में तब नहीं करना चाहिए। बड़ा पवित्रता के साथ शालिग्राम की सेवा होती है। हरे कृष्ण।